ओम शांति। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस और ब्रह्मा बाबा समान बनने की हम सब ब्राह्मणों की यादगार। और इसी दिन एक वरदान चला है बहुत ही सुंदर, एंड उसमें परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि किस तरह की हम फादर ब्रह्मा को, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो हैं, हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता, मनुष्य आत्माओं के पिता मतलब फिजिकल कॉन्शियसनेस के पिता, जो कि इनको एडम भी कहा जाता है। तो उसमें वरदान में परमात्मा कहते हैं कि सेवा में रहते संपूर्णता के समीप की अनुभूति करने वाले, कंप्लीट होने की अनुभूति करने वाले, जैसे जैसे हम और आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ते जाते हैं तो हम संपूर्ण संपन्न बनते जाते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब किताब और को ज्ञान देने से ही कम होते जाते हैं और हमारे अंदर अनुभूतियाँ बढ़ती हैं। समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भवा, जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते, सेवा में रहते और समाचार सुनते सेवा के एकांतवासी बन जाते थे। एक घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। जो हुआ जैसे हुआ, जो सुन रहे हैं क्या हुआ, चाहे उसमें अच्छा या बुरा जो भी आए न्यूज़, लेकिन उसमें परमात्मा पिता क्या करते थे, ब्रह्मा बाबा मिल करके परमात्मा के साथ में, उनके साथ में कनेक्टेड हो करके, एकांत में जा करके, एकांतवासी होकर के, अंतर्मुखी होकर के, वो जो भी था मैसेज या न्यूज़ जो थी उसको 5 मिनट में सार समझा करके, पर खुद सारसुर बनाया उस बात को, उस न्यूज़ को, और फिर बच्चों को समझा दिया और खुश कर देते थे उनको। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, मेरे पास समय नहीं है, अपनी बाद में देखेंगे, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। अगर दिल साफ है, क्लियर है, क्लीन है, तो हम ऑटोमेटिकली समय निकाल लेते हैं, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है, क्लीन क्लियर नहीं है और हम उलझे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो ऑब्वियसली हमारे पास में समय नहीं है। तो दिल साफ कैसे करें, लगन कैसे आए दिल में परमात्मा के प्रति, ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी इसमें। ओम शांति।